कैसे एक्टिंग करोगे? रखा हुआ है। क्या एक्टिंग कैसे करोगे? अभी तो बोल रहा हूँ मैं इतनी जल्दी थोड़ा सब्जी बन जाती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी बस मैं उठाई था और पापा कह रहे मार्केट जाना है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो फटाफट से चलते हैं और पता नहीं क्या सामान लेके आना है वो लेके आते हैं। सब्जी वगैरह लेनी है, पहले सीधा जाएंगे एटीएम पे, कैश निकलवाएंगे, कैश घर पे है ही नहीं बिल्कुल ही, कैश निकलवाएंगे, फिर सब्जी वगैरह लेंगे, आलू प्याज वगैरह, फिर आते हैं आगे दूध लेंगे बाद में। पापा हम गए कुछ लेके क्यों नहीं आए मार्केट से? हम लेके क्यों नहीं आए कुछ मार्केट से? एक घंटा वेस्ट करके आए हम सुबह। कैश निकलवा के लाए भाई, कैश भी इसमें फंस गया गड़बी में। सब को सब्जी वगैरह के लिए लेके आए? सब्जी मिल नहीं रही थी, फ्रेश नहीं थी अभी। मेन बात हम ये टाइम वेस्ट करके आए सुबह, उठ सारी मंडी वगैरह चले गए, कुछ भी नहीं लेके आए। मेरा सब फिर से तैयार है जाने के लिए। मैं तो मम्मी का सामान लेने जाना है, पर मैं तो जा रहा हूँ एक तरह से जैसे खाना बदोश घूमते हैं, खाने के चक्कर में मैं घूमता हूँ व्लॉगिंग के चक्कर में, कि मुझे थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाए कहीं से भी। घर पे तो व्लॉगिंग हो नहीं पाती, कुत्ता भौंकता रहता है। एक तो बाहर आके शूट करो तो बाहर ट्रैफिक की आवाज़ें होती हैं। तो चलते हैं मम्मी को सामान भी दिलाते हैं और इसी बहाने थोड़ा बहुत व्लॉग भी बन जाएगा। मैराथन रेस होती है, वो डंडा से एक दूसरे को पकड़ाते हैं, फिर वो दूसरा बंदा आगे भागता है, वही वाला सिस्टम है। पापा मम्मा को यहाँ तक लेके आ रहे हैं और यहाँ से मैं मम्मा को लेके चंडीगढ़ जाऊँगा। हम आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे, सेक्टर 22 चंडीगढ़। घंटे की इंटरेस्टिंग जगह, जैसे कंटेंट कम पड़ता है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और शॉपिंग करने के लिए फुल एनर्जी है। ऐसे सोचो बस ये अकेली दुकान है जिससे सामान मिलेगा, तो फिर एक ही दुकान से लेके फटाफट हम चलेंगे। ऐसे दिमाग में डालो बस इस पूरी मार्केट में एक ही दुकान है, एक ही है। ऐसा सोचो, मैं सोचूं। हाँ जी बैठो तो खाओ। मम्मी को भी शॉपिंग करा दी और पापा की भी डन करा दी। अब चलते हैं फटाफट घर और कुछ खाते हैं, भूख लगी है। इसका मेरा दिन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव गया, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव गया कि आज के दिन में मैंने कुछ भी नहीं करा। मम्मा पापा की बस शॉपिंग करके आया, उसके बाद सोता रहा हूँ क्योंकि लो फील कर रहा हूँ, क्योंकि टू व्हीलर जब मैं चलाता हूँ तो गर्म हवा मुँह पर पड़ती है, चेस्ट पर पड़ती है, तो उसकी वजह से फीवरिश सा फील हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो तीन दिन से टू व्हीलर पे ही घूम रहा हूँ, गाड़ी तो अपने पास है नहीं। तो जब गर्म हवा पड़ती है तो मेरा शरीर बहुत ज़्यादा टूटता है। तो अब भी बस डिनर करूँगा और मेडिसिन खा के सो जाऊँगा। तो इस व्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूँगा, अभी इस व्लॉग को मैं एंड नहीं कर रहा हूँ। तो खाना खाते सोते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज राजा साहब उठे हैं विद डिफरेंट पावर एंड डिफरेंट एनर्जी के साथ, क्योंकि कल पूरा दिन मैं रेस्ट करता रहा तो थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। बेटर क्या मतलब, पूरा अच्छा ही फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे था कि अब शादी के दिन है तो मैं बीमार ना कहीं पड़ जाऊँ, तो काम कौन कराएगा, एक्चुअली बात तो ये है। तो अब फटाफट से नहाते हैं और अपने डे को स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंट एनर्जी। तो अब राजा साहब नहा धो के तो रेडी हो चुके हैं, और आज मैंने ये अपना चेस्ट बेल्ट वाला गोप्रो लगाया है, तो देखते हैं अब इसका कैसे शॉर्ट्स आते हैं। सारे मैं डाल दूंगा जितना भी अभी बनाऊंगा। और आज हम फिर से किसी के घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, किसी के मासी के घर जा रहे हैं, और चलो मिल भी लेते हैं उनसे, खाना भी मिल जाता है। चलो अब आप इंजॉय करो ये वाले शॉर्ट्स। मैं तो पहली बार लगा रहा हूँ, मैं तो इसे लगा नहीं रहा था, मुझे डर लग रहा है, अभी नई नई चीज़ है तो किसको नहीं डर लगता, पर पापा कहते लगा के देख ले, मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करनी है। तो कैसे लग रहे हैं आपको शॉर्ट्स इसके?
तो आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको अच्छे लग रहे हो ये वाला एंगल। तो फिर ये एंगल मैं शादी में भी ट्राई कर सकता हूँ, मैं थ्री पीस सूट के ऊपर डाल के, शर्ट के ऊपर डाल के ऊपर थ्री पीस सूट डालूँगा तो रिकॉर्डिंग भी अपने आप होती रहेगी। अगर ये शॉर्ट्स अच्छे आए तो शादी में मैं ऐसे ज़रूर ट्राई करूँगा। मेरे पापा को सबसे ज़्यादा कैमरा टाइम लेना पसंद है तो वो जान के स्पीड गोल्ड की तेज कर करके आगे आ रहे हैं। चलो उनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है कैमरे के आगे रहना। और ऐसे इसकी क्या वॉइस क्लियर आती है या मैं माइक ले लूँ? एक्सीडेंट हो गया दो बाइकों के बीच में, देख के नहीं चलाते, रैश ड्राइविंग बहुत करते हैं यहाँ पर। हेलमेट वगैरह भी नहीं डाला था किसी ने, हाथ में पकड़ रखा है पर डाला नहीं हुआ हेलमेट, क्या फ़ायदा ऐसे सेफ्टी का। एक टेस्टी से ब्रेकफास्ट के बाद कैश भी निकलवा लिया क्योंकि घर में कैश बिल्कुल ही ख़त्म था, तो अब चलते हैं सीधा घर। पहले घर तो मैं आ चुका हूँ और अब देखते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। वो मेरे से थोड़ा पहले आ चुके थे और मैं आया हूँ रिंग कलेक्ट करके। आप गाने सुन रहे हैं ऐसे रेट के? मैं तो गाने ढूंढ रही थी शादी के लिए। आपने डांस परफॉर्मेंस करनी है? सीखनी है। आपने डांस परफॉर्मेंस करनी है? डांस परफॉर्मेंस नहीं कर रही? ना मुझे शर्म आती है। फिर किस रेट ढूंढ रहे हो भाई? मैं तो वैसे ही मैं नाच भी लूंगी टेढ़ा मेढ़ा। कैसे नाचोगे? सीधा ही नाचो। थोड़ा बहुत काम भी करा है मार्केट से, वो जो रिंग सेरेमनी के लिए गोल्ड की रिंग लेनी थी वो भी ले ली, तो खाना भी खा हो गया। अब थोड़ी देर सोते हैं और फिर उठूँगा, फिर मिलूँगा आपसे फुल चार्ज होके। मम्मी बस नवासी में जेरी को मारा, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं अभी भी बता दो। नहीं जाएंगे? वो मेरी बहन है। वो मेरा कुत्ता है। बस अब दो तीन दिन में गेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ जो चार पाँच दिन का फंक्शन है उसी हिसाब से मैं नॉर्मल कपड़े भी निकाल के अलग रख लूँ और जो फंक्शन का टाइम डालना है वो भी रख लूँ निकाल के। फिर इजी रहेगा कि दिन में काम करने के टाइम क्या डालना है और तैयार होने के टाइम क्या डालना है, और शूज़ वगैरह सारे सॉर्ट करके अभी रख लेता हूँ, मेरा मैं सेट करके रखूँगा। नहीं तो उस टाइम तो मम्मा ही करता रहूँगा, तो फटाफट से अपने कपड़े सेट करते हैं। अगर कोई माँ मेरी ये वीडियो देख रही है और अपनी लड़की के लिए मेरा रिश्ता देखना चाहती है तो आपके लिए मैं नीचे लिंक में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बस मेरी एक ही डिमांड है कि उसको थोड़ा कंटेंट क्रिएशन आता हो, जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा वो थोड़ा वीडियो में बोल सके ना, हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, बस थोड़ा प्यार चाहिए। तो मैं निकला हूँ वॉक करने के लिए, तो थोड़ा सोच रहा था कि सूरज थोड़ा और नीचे आ जाए तो वॉक करने जाऊँगा। अब 6 बज चुके हैं तो अप्रोप्रिएट टाइम है अभी जाने का, तो अब चलते हैं। और हाँ गाइस, अपने मैंने 2-2.5 महीने के यूट्यूब करियर में एक बात ज़रूर सीखी है कि कोई भी इंसान जो आपको सीधा आके हंस के ये कहेगा और भी यूट्यूबर और भी स्टार साहब कैसे हो, तो वो आपका कभी कह लो जिसको फ्रेंड नहीं होगा, वो आपका हमेशा हिटर होगा। वो आपको ये सब दबा के या तो ईगो में लाना चाहता है या आपको दबाना चाहता है। जो आपका चाहने वाला होगा कभी भी आपके साथ ऐसी बातें नहीं करेगा। और मेरा तो काम है कंटेंट बनाने का, और मैं बना के हर एक व्लॉग सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दिखा के फिर ही अपलोड करता हूँ, और आगे भी ऐसे ही करूँगा। और बाकी कैसा है, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो तो आप लोगों को बताना है।
और मैं इम्प्रूव भी करता रहूँगा। आज बन रहा है मेरा फेवरेट बैंगन का भरता। मम्मी मम्मी आप एक्टिंग ही कर लो, करती लाने की, लोगों को लगेगा आप भी बनाते हो सब्जी। हैं फोन नहीं करूँगा और फिर आपको बनाना भी ऐसे बनाना कि आप भी बनाते हो, पूरी एक्टिंग करना, ठीक है मम्मी? गैस बंद करनी आती है होती बस ऐसे वाली। कैसे एक्टिंग कर रहे हो? रखा हुआ है। क्या एक्टिंग कैसे कर रहे हो? अभी तो हो रहा है मैंने इतनी जल्दी थोड़ा सब्जी बना आती है। क्लिनिक में एक और बच्चा हुआ, ये जो पंछी ने अंडे दे रखे थे वो बच्चे भी हो गए, पंछी भी चली गई, बच्चे ले गई, हमारी फीस ही नहीं देके गई। चलो कोई बात नहीं, उसकी जगह आप लाइक शेयर कमेंट कर देना, मैं समझूंगा मुझे मेरी फीस मिल गई। चलो मम्मी 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 हम ऐसे ना अपने लोगों को पागल बनाया करेंगे, ऐसे पापा से सब्जी बनवा के आपको एंड में पर्ची बनवाएंगे आपसे। हर बारी नहीं, हर बारी लोग सोचते हैं ये तो काम चोर है। मेरा बाप भी जरा काम करता है। तो हर बारी वीडियो बना लेते हैं ये तो बस मैं मजाक करता हूँ, मम्मी ही करते हैं वैसे घर का सारा तो काम, पर कुकिंग का डिपार्टमेंट अगर पापा की छुट्टी है तो पापा ही संभालते हैं, क्योंकि पापा के हाथ की सब्जी का तो अलग ही टेस्ट है, वो कोई नहीं मैच कर सकता उसका, तो पापा बनाते हैं। तो सब मैं मजाक वगैरह दिखाने के लिए व्लॉगिंग में ऐसे दिखाता हूँ। गाइस डिनर वगैरह तो कर लिया मैंने और अब करते हैं इस व्लॉग को एंड। ये वीडियो एडिट भी करनी है, फिर सोना भी, नींद बहुत आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा हो तो। बाय बाय, लव यू।